सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची में नस्ला टावर गिराने का मिशन मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। बल्दिया उस्मा और SBCA का अमला इमारत गिराने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 बदीउज़्ज़मा से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बदीउज़्ज़मा बताए कि आज तीसरा रोज है और तजावुजात के खात्मे के हवाले से जो है नस्ला टावर को भी गिराया जा रहा है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आप बिल्कुल जी, इस समय मौजूद हूँ नस्ला टावर के बिल्कुल सामने और आपको नज़र आ रहा होगा मेरे अकब में ये नस्ला टावर जो है, अब इसकी तोड़ फोड़ का काम जो है वो आज मुसलसल तीसरे दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कमिश्नर कराची ने जो है आज से दो दिन पहले यहाँ पर बाकायदा दोबारा आगाज़ किया था, क्योंकि पहले जब काम शुरू किया गया था तो सिर्फ और सिर्फ हिफाजती इकदाम की वजह से रोक दिया गया था। अब जो शहर फैसल से रोड जो है तारिक रोड की तरफ जा रही है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और नीचे जो है हैवी मशीनरी के जरिए जो है इनकी दीवारें तोड़ी जा रही हैं, जबकि ऊपर जितने भी फ्लोर हैं जो पार्किंग है इसको मशीन के जरिए तोड़ा जा रहा है। इनकी दीवारों को सिर्फ पिलर पर ये जो इमारत जो है खड़ी रहेगी, और जबकि जितने भी फ्लोर हैं तकरीबन 11 फ्लोर का ये प्लाजा है और उसमें से सबसे पहले खिड़कियाँ निकाली जा रही हैं, फिर उनकी दीवारें तोड़ी जा रही हैं और उसके बाद जब ये सब चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, इमारत सिर्फ पिलर पर आ जाएगी, तो उसके बाद इसको ये तय किया जाएगा कि आगे आखिर इसको कैसे गिराया जाए। लेकिन मुकम्मल तौर पर आज तीसरा दिन है और मुसलसल इस पर काम जारी है। दो ठेकेदारों को मैंने आपको पहले भी बताया था, दो ठेकेदारों को ये ठेका मिला है, एक जो है हैवी मशीनरी के लिए इस पर काम कर रहा है उसके लिए तोड़फोड़ हो रही है, और दूसरा इनफरादी जो हैसियत से जो है मजदूरों के जरिए जो है तकरीबन 50 से 60 मजदूर ऐसे हैं जो 11 फ्लोर पर इस वक्त काम कर रहे हैं और ज़्यादातर दीवारें खिड़कियाँ ये तोड़ दी गई हैं। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह अहकाम के पेश नज़र आज तीसरा रोज़ है और नस्ला टावर गिराने का काम मुसलसल जारी है। तफसीलात से आगाह करते थे बदीउज़्ज़मा, बहुत शुक्रिया आपका।